जी मैं ये 3 महीना करीब हो रहा है चलाते हुए। इसके पहले मैं ऐसे छोटा मोटा काम करता था, कुली मजूरी टाइप का। अच्छा। हाँ, गरीबी रेखा वाला काम कर रहा था मैं ज़्यादा। मेरे को जानकारी मिलने से पहले बहुत सारे लोगों को देखा कि मैं उन लोग भी चला रहे हैं, उनके जरिए से मैं पहले जानकारी लिया। उसके बाद मेरे को दूसरा जगह से जानकारी मिला, दूसरा जगह से मतलब अपना पार्षद के जरिए से मेरे को जानकारी मिला कि ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से सहायता मिल रहा है या मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता मिल रहा है गरीबों को। तो मैं भी वहाँ अप्लाई किया उनके जरिए, क्या करना है कैसे करना है करके। तो जैसे अप्लाई किए तो मेरा भी मंजूर हो गया। मंजूर होने के बाद मेरे को ये मिला। नहीं, कोई मुश्किलें नहीं थी, खाली श्रम विभाग में थोड़ा कागज़ रुक गया था, जो बैलेंस नहीं है, पेमेंट नहीं है, आ जाएगा तो करेंगे करके। लेकिन वहाँ भी ईजी हो गया क्योंकि मंत्री जी का जो काम चल रहा है आगे, हमारे लिए बहुत सुविधा हो रहा है। इसको लेने के बाद हमारी जो एकदम लो गरीबी ज़िंदगी थी, थोड़ी हम आगे बढ़े हैं। अभी आमदनी में भी अच्छी हो रही है और हम तो उनका आभारी रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं उनके जरिए से और हमको सब सुविधा दिया जा रहा है। फ़र्क बहुत, फायदा भी मिल रहा है और बहुत फ़र्क भी है कि हम गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद मिल रहा है हमको। इनके काम से हम बहुत प्रभावित हैं और आगे इनका ही सरकार बनना चाहिए। और बहुत बहुत सारे, मैं अकेला बोल के नहीं, पूरा सारा जितना अपना जितने भी गरीब भाई लोग हैं सबके लिए कुछ ना कुछ मदद है। कई जनों को घर मिली है, कई जनों को रोज़गार के लिए मुद्रा लोन मिली है, ऐसे करके सब गरीबों का मदद हो रहा है। जब से रमन सरकार बनी है तब से बहुत आगे बढ़ा, गरीबी रेखा में थे उससे थोड़ा अभी ऊपर उठे हैं हम, कि ताकि सुधार आया है अपना। अभी हम तो यही अपील करेंगे सर कि ये सरकार और भी आगे बने, हम सबको सबको ही मिलकर मदद करें और सरकार को आगे बढ़ाएं और थोड़ा बहुत जो अपने गरीबी भाई लोग बचे हैं उनको और ऊपर बढ़ाएं और सबका रोजी रोटी बने रहे और सबका आशीर्वाद रहे कि ये बनते रहे।